स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा आपको ये एल्गोरिथम। हमें एक फंक्शन बनाना है, बात करेंगे। एक बार रिवाइज करा दूँ, बबल सॉर्ट क्या कहता है। बबल सॉर्ट यूज़ हम लोग करते हैं अपने एरेज को सॉर्ट करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में। यूज़र जो भी आपको एलिमेंट्स पास किया है, आपको क्या करना है, उस एलिमेंट को सॉर्ट करना है। ये टेक्निक काम कैसे करता है, सबसे पहले हम इस एरे को सॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं उतने पासेस हमारे लगेंगे। जैसे अगर पांच एलिमेंट है तो पांच पासेस में ये सॉल्व होगा, 10 एलिमेंट है तो 10 पासेस लगेंगे। और हर पास में हम कंपैरिजन करते जाते हैं। कंपैरिजन जो होगा वो हमेशा एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, जैसे इंडेक्स नंबर 0 को इंडेक्स नंबर 1 से, इंडेक्स नंबर 1 के वैल्यू को इंडेक्स नंबर 2 के वैल्यू से, इंडेक्स नंबर 2 के वैल्यू को 3 के वैल्यू से। 0 को 2 से कभी नहीं करते, 0 को 3 से नहीं करते, 0 को 1 से करना है, 1 को 2 से करना है, 2 को 3 से करना है, इस तरह से ये चलता जाएगा। तो जितने भी पास होंगे, अगर हमारे पास एग्जांपल के लिए देखें तो 5 एलिमेंट का अगर एरे बनाया है हमने, तो हमारे पास टोटल 5 पासेज होंगे और हर पास में हमें n-1 कंपैरिजन करते जाना है। पास नंबर 1 में n-1 कंपैरिजन होगा, पास नंबर 2 में n-2 कंपैरिजन होगा और सो ऑन, इस तरह से जाएगा। हम लोगों ने कल एक न्यूमेरिकल भी इसका बनाया था, समझ में आ भी गया है। उसकी एल्गोरिथम की बात करें तो एल्गोरिथम बहुत ही सिंपल है इसका, आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा आपको ये एल्गोरिथम। हमें एक फंक्शन बनाना है बबल सॉर्ट नाम से। उस फंक्शन में टोटल 2 पैरामीटर्स हमें पास करने होंगे, ए और एन। ए क्या है, ए हमारा एरे है, और एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस एरे में कितने होंगे। ये दो चीज़ें हमें चाहिए। देन हमें इसमें लूप लगाना है, हमें इसमें दो नेस्टेड लूप लगाने हैं। पहला लूप लगेगा 0 से लेके n-1 तक। आप ध्यान देना, हमने इंडेक्स नंबर 0 को 0 से स्टार्ट किया है, ठीक है। फिर उस लूप के अंदर एक दूसरा लूप लगेगा, वो लूप जो है वो चलेगा 0 से n-i तक। यहाँ पे ये 1 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे ये i लिखा हुआ है। i कहाँ से आया, वो यहाँ से आया, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो सेकंड फॉर लूप है उसके अंदर कंपैरिजन का टास्क करेंगे। अगर ए जे की वैल्यू ए जे प्लस 1 की वैल्यू से ग्रेटर है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, लोअर इंडेक्स नंबर वाली वैल्यू अगर हायर इंडेक्स नंबर वाली वैल्यू से ग्रेटर है, तो हम क्या कर रहे थे, कर स्वैपिंग कर रहे थे, तो हमें इन दोनों की वैल्यू को इंटरचेंज करना होगा। तो यहाँ पे हम स्वैपिंग के 3 लाइन का कोड जो होता था वो लिखेंगे और ये प्रोसेस हमारा चलता चला जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसके प्रोग्राम पे सीधे आ जाते हैं, प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं कैसा होगा। सी में हम प्रोग्राम बना रहे हैं, हेडर फाइल ऐड कर लो। ठीक है, हम चाहें तो इसको एज ए फंक्शन की मदद से भी बना सकते हैं और नॉर्मल प्रोग्राम की मदद से भी बना सकते हैं। तो मैं इसको नॉर्मली प्रोग्राम में बना रहा हूँ, आप लोग इसको एज ए फंक्शन कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो हम डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं इन मेन से। स्टार्टिंग के कुछ फॉर्मेलिटीज पहले लिख लेता हूँ मैं, उसके बाद फिर आप लोगों को बताता हूँ कि हमने क्या कहाँ पर क्या किया है। जैसे हमें क्या चाहिए, एक एरे चाहिए, एरे का नाम दे दिया ARR, उसकी साइज़ बता दिया। उसके अलावा हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा n नाम का, उसमें हम यूज़र से साइज़ पूछेंगे, एरे में कितने एलिमेंट वो इंसर्ट कराना चाहता है, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम वैसे वैसे वैल्यूज़ को यहाँ पे देते रहेंगे। printf लिखा, printf में लिखेंगे इंटर साइज ऑफ एरे, इन द सेंस कि वो कितने एलिमेंट को इंसर्ट कराना चाहता है। scanf की मदद से हमने लिखा
ये हमने एरे की साइज डिक्लेयर कर दी। ठीक है, मान लो n की वैल्यू यूज़र ने 10 दिया है, तो अब हमें वो वैल्यूज को इंसर्ट करना है। ठीक, आगे चलो, हमें देखना है अब एक्चुअल में वैल्यू इंसर्ट होगी तो हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा i नाम से। हम यहाँ पे i डिक्लेयर कर देते हैं, फॉर लूप लगाते हैं, i को इनिशलाइज कर दिया 0 से, i की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, n-1 तक, और हर बार हम i को इंक्रीज करते जाएंगे। अभी हम एरे को क्रिएट ही कर रहे हैं ना, और एरे को क्रिएट करने के लिए scanf लगाया यहाँ पे। परसेंटेज डी और एरे में वैल्यू इंसर्ट कराना है, ARR i। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपका एरे बन चुका है, लेकिन ये जो एरे बना है वो अभी सॉर्टेड नहीं है, अब हमें इसमें सॉर्टिंग करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज़ करने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लें, एक बार एक प्रिंट स्टेटमेंट चला देते हैं और इसमें लिख देते हैं रिजल्टेंट एरे आफ्टर सॉर्टिंग। ठीक है, ये सब काम तो फॉर्मेलिटीज का था। अब आ जाओ आप एल्गोरिदम के पास। एल्गोरिदम आपसे क्या कहता है, एल्गोरिदम आपसे कहता है कि आपको एक लूप लगाना है, फॉर लूप, जो 0 से लेके n-1 तक जाएगा। n क्या है, एरे की साइज जो भी यूज़र ने दिया है। तो हम फॉर लूप लगाते हैं, यहाँ पे हम एक फॉर लूप लगाएंगे, i वेरिएबल को फिर से यूज़ कर लो, इनिशियलाइज करो 0 से, i की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, n-1 तक, और हर बार हम i को इंक्रीज करेंगे। ये हमारे एल्गोरिदम का पहला लाइन था। ठीक है, हमने ये काम कर लिया, 0 से n-1 तक का फॉर लूप लगा दिया। अब आपसे क्या कह रहा है, उस फॉर लूप की बॉडी के अंदर एक दूसरा फॉर लूप लगाओ और उसमें ये कंडीशन लिखो। ठीक है, यानी हमें एक वेरिएबल दूसरा डिक्लेयर करना पड़ेगा j नाम से। चलो कोई नहीं, हम कर लेते हैं। j नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करना है और उसको 0 से लेके n-i तक चलाना है। तो हम इसको यहाँ पे एक दूसरा फॉर लूप डिक्लेयर कर बना लेते हैं। यहाँ पे हम एक वेरिएबल जे डिक्लेयर कर लेते हैं, आप जे ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते हो। उसको 0 से स्टार्ट करना है और जे की वैल्यू जो है वो कहाँ तक जाएगी, n-i तक, और हम हर बार जे को इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, यही लिखा हुआ था 0 से n-i तक, हमने भी वही लिखा है 0 से n-i तक। एक्चुअल में यहाँ पे एक और चीज़ भी आएगी, वो हम थोड़ी देर में बताऊँगा। एक्चुअल में यहाँ पे -1 भी आता, n-i तो रहता ही है, साथ में -1 भी आता है, क्योंकि हमारा इंडेक्स 0 से स्टार्ट हुआ है। खैर, इस -1 को अभी इग्नोर करते, देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। उसके बाद हमें क्या करना है, एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इस फॉर की बॉडी के अंदर, इफ़ वाला स्टेटमेंट लिखना था। तो हम वो इफ़ वाला स्टेटमेंट लिख देते हैं। फॉर की बॉडी स्टार्ट किया अंदर वाले फॉर को और वहाँ पे इफ़ की स्टेटमेंट लिख देते हैं। इफ़ की कंडीशन क्या कह रहा था हमसे, इफ़ में हमसे कह रहा है ए जे की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए ए जे प्लस 1 से। चलो लिख देते हैं, इफ़ के अंदर एरे का नाम है ARR, वैल्यू ले लिया जे, ग्रेटर होना चाहिए ARR जे प्लस 1 से। ठीक है, हमने जो एरे बनाया उसका नाम ARR है, जबकि एल्गोरिथम में एरे को ए कह रहे थे इसलिए नाम बदल गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखें। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो हमें स्वैप करना है, स्वैपिंग का कोड लिखना है। तो हम इसके अंदर स्वैपिंग का कोड लिखेंगे। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में स्वैपिंग का कोड भी बना रखा है, आप लोगों को पता होगा। स्वैपिंग के लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल टेम्प नाम का बना लो।
ठीक है, उसको स्वैप कराने का प्रोग्राम में 3 लाइनें लिखनी होती है। क्या करते हैं हम, पहले लिखते हैं टेम्प असाइनमेंट ARR J, उसके बाद ARR J असाइनमेंट ARR J+1, ठीक है। देन हम लिखते हैं ARR J+1 असाइनमेंट टेम्प। ये 3 लाइन का कोड होता है स्वैपिंग के लिए। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, सबसे पहले हमने क्या किया है, ARR J में जो भी वैल्यू है उसको टेम्प में डाल दिया, तो ARR J अभी फ्री हो गया है। ARR J जब फ्री हो गया तो उस ARR J पे हमने ARR J+1 की वैल्यू डाल दी, तो अब ARR J+1 फ्री हो गया। ARR J+1 फ्री होने के कारण हम अब उसमें टेम्प की वैल्यू डाल रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमारा ARR J और ARR J की वैल्यू एक दूसरे से बदल गई है। ये स्वैपिंग का कोड होता है, ठीक है। ये हमने कर लिया, हमारा इफ जो है वो यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो चुका है, फॉर हमारा इनर वाला फॉर यहाँ पे ख़त्म हो चुका और आउटर फॉर यहाँ पे ख़त्म हो चुका। अब हमें एक्चुअल में क्या करना है, एरे को प्रिंट करना है, तभी तो पता चलेगा कि एरे हुआ या नहीं सॉर्टेड। तो हम यहाँ पे एक प्रिंट फॉर लूप लगा दो फिर से और एरे को प्रिंट करा दो। आई को 0 से स्टार्ट करते हैं, i <n-1 कर दें, i++ कर दें और इसके अंदर एक प्रिंट का स्टेटमेंट लगा दो, प्रिंट एफ। ARR i, ठीक है। लास्ट वाला जो काम किया है वो हम एरे को प्रिंट कराने के लिए कर रहे हैं। मेरे ख्याल से प्रोग्राम हम लोगों ने लिख लिया है, अब इसको बिल्ड करते हैं, देखते हैं कुछ एरर आता है या नहीं। बिल्ड पे क्लिक किया तो ये मुझसे सेव करने के लिए बोलेगा, मैं इसको बबल नाम से सेव कर देता हूँ। प्रोग्राम में देखते हैं कोई एरर है या नहीं, कोई एरर दिख नहीं रहा, ठीक है। इसको रन किया तो ये आंसर आया, ये आउटपुट स्क्रीन आपको दिख रहा है, ठीक है। एंटर साइज ऑफ एरे, टोटल एरे जो है वो 100 एलिमेंट का बनाया था, लेकिन अभी हमसे वो पूछ रहा है कि आप कितने एलिमेंट का एरे चाहते हो। चलो मैं एग्जांपल के लिए छोटा सा ही ले लेता हूँ, 5 एलिमेंट का एक एरे ले लेता हूँ। अब मुझे एक्चुअल में यहाँ पे एक प्रिंट एफ लिखना चाहिए था कि 5 एलिमेंट इंसर्ट करो, लिखा नहीं था इस कारण से यहाँ कुछ आया नहीं। तो मैं यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट करता हूँ किसी भी ऑर्डर में, ठीक है। इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसमें थोड़ा मुझे चेंज करके मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट और लगा दो, प्रिंटर ठीक है। देन जीरो से लेकर n-1 नहीं n तक, एरे में एलिमेंट n तक जाएगा, एरे की एलिमेंट आ गई है, रिजल्टेंट एरे के बाद यहाँ पे फॉर लूप प्रिंट हुआ है, तो ये वाला भी n तक ही जाएगा, ठीक है। इसको फिर से बिल्ड किया, इसको रन किया, एंटर साइज ऑफ एरे 5, मैं कोई सा भी 5 एलिमेंट प्रिंट कर टाइप कर देता हूँ, 5 4 3 2 1। रिजल्टेंट एरे आफ्टर सॉर्टिंग इज, यहाँ पे हमें आंसर जो दे रहा है वो 10 2 3 4 दे रहा है। थोड़ा इसको और मॉडिफाई कर ले ताकि स्पेसिंग हमें दिख पाए, ठीक है। इसको बिल्ड किया, इसको रन किया, एंटर साइज ऑफ एरे 5, 5 4 3
2, 1। देखो हमारा एरे जो फाइनली है वो थोड़ा बहुत शॉर्ट तो हो रहा है, लेकिन आंसर हमारे मन मुताबिक नहीं आ रहा। वन आया, वन तो सॉर्टेड में पहले नंबर पे आना ही चाहिए था, ठीक है। उसके बाद ये जीरो अपने मन से आ रहा है, पता नहीं कहाँ से। फिर टू आना चाहिए था वन के बाद, वो टू आ चुका है। थ्री आना चाहिए था, थ्री भी आ चुका है। फोर आना चाहिए था, फोर भी आ चुका है। फाइव आना चाहिए था, फाइव आया नहीं, बल्कि एक जीरो बीच में इंसर्ट हो गया। उसके पीछे का रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे माइनस वन नहीं किया। एक बार इसको रन करा लें, फिर देखते हैं आंसर हमारा आता है या नहीं। साइज ऑफ एरे 5, 5, 4, 3, 2, 1। अब देखो हमारा एरे जो है वो सॉर्ट होकर के 1, 2, 3, 4, 5 आ चुका है। समझ में आया, यानी प्रोग्राम हमारा सही काम कर रहा है। अब देखो इसको समझते हैं एक्चुअल में हुआ क्या। बबल सॉर्ट हमारा जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही है। इसके ऊपर और इसके नीचे का काम जो हमने किया वो एक्स्ट्रा था, हमारी नीड नहीं थी, ठीक है। देखो पहला फॉर लूप जो है, ये फॉर लूप हमें बता रहा है कि हमें टोटल कितने पासेज लगेंगे। तो कल भी हमने देखा था कि अगर हमारे पास 10 एरे का एलिमेंट है तो हमें टोटल पासेस कितने लगते, 10। हम इसको पास वन ना बोल के पास जीरो बोल रहे हैं। स्टार्ट किया हमने जीरो से, क्योंकि C++ में बना रहे हैं सब कुछ जीरो से स्टार्ट होता है, तो हमने जीरो से ही बना दिया। यानी कि कल जो हमने न्यूमेरिकल में पास वन लिखा था वो एक्चुअल में पास वन नहीं, पास जीरो था। फिर पास वन आया, फिर पास टू आया। इसको आप देखोगे ध्यान से तो ये टोटल कितने होंगे, एन। यानी हमारे एन एलिमेंट के एरे में हमने एन पासेस बना लिए। पहला फॉर लूप जो है वो पासेस के लिए, मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ, ये जो है हमें पासेस बता रहा है, ठीक है। पासेस के अंदर, हर पास के अंदर हमें क्या करना होता था, कंपैरिजन करना होता था एडजेसेंट एलिमेंट के साथ। तो कंपैरिजन तो हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है, ये कंपैरिजन का है। ये फॉर लूप किस लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करना है। और कितनी बार कंपेयर करना, आपको अगर याद होगा तो कल जो हमने पहला प्रोग्राम बनाया था तो पास नंबर वन में टोटल कितने कंपैरिजन आए थे, एन माइनस वन, ठीक है। पास नंबर टू में कितने कंपैरिजन आए थे, एन माइनस टू। पास नंबर थ्री में कितने कंपैरिजन आए थे, एन माइनस थ्री। तो हमें यहाँ पे वही कंपैरिजन करना है। ये जो आप एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करोगे वो टोटल कितनी बार करना है, एन माइनस आई टाइम्स, जहाँ आई क्या है, पास नंबर बता रहा है। यानी कि अगर आपने पहले पास की बात करो, आई की, कल के एग्जांपल से बता रहा हूँ, आई की वैल्यू वन है फर्स्ट पास, तो हमने टोटल कंपैरिजन कितना किया, एन माइनस वन। आई की वैल्यू जब वन थी, यानी पास नंबर वन पे हम सॉल्व कर रहे थे, तो हमने टोटल कंपैरिजन कितने किए, एन माइनस वन। आई की वैल्यू जब टू हो जाएगी, यानी हम पास टू की बात कर रहे हैं, तो टोटल कंपैरिजन हमें कितने करने पड़ रहे थे, एन माइनस टू। तो ये देखो अगर आप, हम अगर इसको जनरलाइज लिखें तो आईथ पास में हमें कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे, एन माइनस आई कंपैरिजन। प्लस अगर आप पूछोगे सर ये माइनस वन क्यों किया, क्योंकि हम पास वन से स्टार्ट नहीं कर रहे बल्कि पास जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, इस कारण से हमें यहाँ पर माइनस वन करना पड़ा, ताकि हमारा काउंटर जीरो से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अगर आपको डाउट लगता हो तो आप यहाँ पे आई इक्वल टू वन से स्टार्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा एल्गोरिथम में लिखा हुआ था, आई इक्वल टू वन से। इस जीरो की जगह आप वन से स्टार्ट कर दो तो आपका हो जाएगा पास नंबर वन, पास नंबर टू, पास नंबर थ्री, और इस तरह से पास नंबर एन तक आप जाओगे, फिर ये माइनस वन नहीं लिखना होगा हमें। सिमिलरली यहाँ पे पास नंबर वन में हमें कितने कंपैरिजन करने होंगे, वन से लेकर एन माइनस आई तक। कल हम लोगों ने किया था ना ये वाला, देखो यहाँ आ गया न्यूमेरिकल। अच्छा न्यूमेरिकल आप लोगों ने ही सॉल्व किया था। इसमें हमने कितने कंपैरिजन किए थे, फर्स्ट पास में हमने कितने कंपैरिजन किए, एक कंपैरिजन इन दोनों में हुआ था, फिर दूसरा कंपैरिजन यहाँ हुआ था, तीसरा यहाँ हुआ था, चौथा यहाँ हुआ था, पांचवा यहाँ हुआ था, छठवा यहाँ हुआ था, और सातवा यहाँ हुआ था।
यानी पहले पास में हमने टोटल 7 कंपैरिजन किए, उसको अगर जनरलाइज फॉर्म में लिखोगे तो आईथ पास में हमने टोटल कितने कंपैरिजन किए, एन माइनस आई कंपैरिजन किए, वही कर रहा है ये सेकंड वाला फॉर लूप, ठीक है। तो उसको प्रोग्राम में जब हमने कन्वर्ट किया तो हमें ऐसा लिखना हुआ। माइनस वन हमने इसलिए किया है क्योंकि हम अपना काउंटर जीरो से स्टार्ट करें, ना कि वन से काउंट करें। तो ये यहाँ पे ये जो फॉर लूप है वो एक्चुअल में क्या है, ये फॉर लूप कंपैरिजन है इन ईच पासेज, ठीक है। और ये इफ तो हमें एडजेसेंट एलिमेंट के लिए करना ही पड़ेगा। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को दिख गया, आउटपुट पे भी दिख गया है, हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं खास। इसको एक बार फिर से रन करा के देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ एरे आप कोई सा कितने भी ले सकते हो, 10 ले लो, 10 एलिमेंट को इंसर्ट कराओ, सबसे अच्छा आउटपुट होता है रिवर्स ऑर्डर में डाल देने के। रैंडम नंबर में मैं 10 रिवर्स ऑर्डर के नंबर टाइप करता हूँ, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये 10 एलिमेंट हो गए हमारे, ये रिवर्स ऑर्डर में है, हमें इसको सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो बबल सॉर्ट से हम ये उम्मीद करते हैं कि ये 1 से लेकर 10 तक के नंबर को प्रिंट करेगा। तो जब मैंने इंटरप्रेस किया तो रिजल्टेंट एरे आफ्टर सॉर्टिंग जो है वो देखिए आप, तो आपको 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर रिवर्स मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आ चुके हैं, यानी हमारा एल्गोरिथम काम कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम रहा। आप लोगों का टास्क क्या है, मैंने सब कुछ मेन के अंदर ही कर दिया था, आप लोगों का टास्क क्या है, इसको एज ए फंक्शन बनाओगे तो आपको करना कुछ नहीं होगा। इसी कोड में ये वाले सारे स्टेटमेंट आपको एक फंक्शन के अंदर लिखना होगा, बबल सॉर्ट नाम का एक फंक्शन बना लेना, बबल सॉर्ट नाम का एक फंक्शन बना लेना और उस फंक्शन के अंदर आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे मेन के अंदर इस लाइन के बाद ये एक स्टेटमेंट नंबर 11 के बाद आप बबल सॉर्ट को कॉल करोगे, बबल सॉर्ट कॉल होने के वजह से आपका एरे जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। मैं इसका कोड क्लास के ग्रुप में डाल दूँगा, आप लोग इसका फंक्शन एज ए फंक्शन बना करके मुझे वापस दिखाओगे कि आप लोगों ने बनाया है या नहीं, ठीक है। अब चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। देखो सॉर्टिंग में हम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, दो तीन बातें बता रहा हूँ अभी। पहली बात तो ये कि कॉम्प्लेक्सिटी जब भी हम निकालेंगे तो हमें वर्स्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस, एवरेज केस और बेस्ट केस देखना होता है। तो जैसे सर्चिंग के लिए हम लोगों ने देखा था बेस्ट केस क्या होता है सर्चिंग में, कि वो एलिमेंट पहले लोकेशन पे ही मिल जाए। वर्स्ट केस क्या होता था, वो एलिमेंट सबसे आखिरी वाले लोकेशन पे मिलेगा। उसी तरह से सॉर्टिंग के केस में क्या होता है, वर्स्ट बेस्ट केस क्या होगा कि वो एरे जो आप सॉर्ट करने जा रहे हो वो पहले से ही सॉर्टेड है, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये होगा सॉर्टिंग में बेस्ट केस। वर्स्ट केस क्या होगा, आप जिस एरे को सॉर्ट करने वाले हो वो रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टेड है, जैसे अभी हमने 10 से लेके 1 तक के एरे को किया था, तो ये उस प्रोग्राम के लिए वर्स्ट केस होगा। समझ में आ रहा है? सॉर्टिंग में बेस्ट केस होगा कि आपका एरे पहले से ही सॉर्टेड है, वर्स्ट केस होगा कि वो सॉर्टेड तो है लेकिन रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टेड है, और एवरेज केस क्या होगा, इन दोनों के बीच का, ठीक है। हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी हमें फाइंड आउट ऐसे करना है सॉर्टिंग में कि हमें टोटल कितने कंपैरिजन करने पड़ रहे हैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने वक्त, टोटल कंपैरिजन कितना होगा। तो मैंने मैथमेटिकली यहाँ पे लिखा है, मान लो हमारा फंक्शन है fn नाम से, ठीक है। तो पास नंबर 1 में हमने टोटल कितने कंपैरिजन किए, पास नंबर 1 में हमने टोटल n-1 कंपैरिजन किया था। कल के प्रोग्राम से अगर देखें तो n की वैल्यू 8 थी, तो हमने पहले पास में कितने कंपैरिजन किए, 7 कंपैरिजन किए, यानी 8-1 कंपैरिजन किए।
सिमिलरली पास नंबर टू में हमने कितने कंपैरिजन किए थे, एन माइनस टू कंपैरिजन किए थे। कल के एग्जांपल से देखें तो एट एलिमेंट्स थे तो हमने टोटल कितने कंपैरिजन किए, सिक्स, यानी एट माइनस टू। तो अगर हम इसको लिखें एक जनरल फॉर्म में तो पहले पास में हमें टोटल कंपैरिजन कितने करने होंगे, एन माइनस वन, दूसरे पास में हमें कितने कंपैरिजन करने होंगे, एन माइनस टू, तीसरे में एन माइनस थ्री, चौथे में एन माइनस फोर और इसी तरह से लास्टली हमें वन थ्री टू वन कंपैरिजन करना होगा। तो जब हम इसका समेशन निकालेंगे तो आप लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ ही रखा है, आप इसका समेशन निकालना जानते हो, तो फाइनली हमें इस तरह का कुछ आंसर मिलेगा। जब आप इसको बिगो नोटेशन में देखोगे तो वो हमें मिलेगा एन स्क्वायर, ठीक है। यानी कि बबल सॉर्ट का कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एन स्क्वायर होता है, ठीक है, वर्स्ट केस में। आ रहे समझ में? अगर आपसे कोई पूछता है बबल सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी बताओ तो आपको बोलना है बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। तो आपको यहाँ से दिख ही रहा होगा कि ये एन स्क्वायर है, यानी एट एलिमेंट था तो हमें टोटल 64 कंपैरिजन करने पड़े सारे पासेस मिलाकर। तो जैसे जैसे एन की साइज़ बढ़ते चली जाएगी तो कंपैरिजन जो है जस्ट उसका स्क्वायर होता चला जाएगा। यानी कि बबल सॉर्ट इफ़िशेंट तभी तक है जब तक एन की वैल्यू स्मॉलर है। जैसे ही एन की वैल्यू लार्जर होती जाएगी तो बबल सॉर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करने लगता है, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन होने के वजह से वो अच्छा नहीं है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी बढ़ जाती है। ये आ रहा है समझ में? हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, कब कर सकते हैं? पहला कंडीशन, अगर हमारे जो एरे दिया है उसको उसमें बहुत ही कम एलिमेंट्स हैं, 5-10 एलिमेंट हैं, तो आप उसको बिल्कुल यूज़ करो। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी खास चीज़ हमें करना ही नहीं है, 4-5 लाइन का कोड है। आप इसको देखोगे तो ये बहुत ही सिंपल सा कोड है बबल सॉर्ट। हम इसको यूज़ कब नहीं करेंगे? हम इसको यूज़ तब नहीं करेंगे जब हमारे पास n जो है वो ज़्यादा एलिमेंट का है, यानी हमें 100 एलिमेंट को सॉर्ट करना है या 50 एलिमेंट को सॉर्ट करना है या उससे भी ज़्यादा एलिमेंट को सॉर्ट करना है, तब हम बबल सॉर्ट को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि कंपैरिजन की संख्या बढ़ जाएगी। एन की वैल्यू स्मॉलर है, आपके पास टाइम कम है, आपको बस सिंपल से उसको सॉर्ट करके दिखाना है, तो आप बबल सॉर्ट यूज़ कर लो। जैसे मान लो आपको बाइनरी सर्च यूज़ करना था, तो बाइनरी सर्च में हमारे पास कंडीशन क्या होती थी, एरे पहले से सॉर्टेड होना चाहिए। अगर बाइनरी सर्च में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है, थोड़े बहुत ही एलिमेंट हैं, तो आप उसमें बबल सॉर्ट पहले लगा दो और फिर बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा हो जाएं तो आपको बबल सॉर्ट यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ये सारी बातें ध्यान में रखना। इसकी अच्छी बात क्या है, ये सिंपल है। इसकी बुरी बात क्या है, एन की वैल्यू बढ़ते ही इसमें कंपैरिजन बढ़ जाता है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। आया समझ में? किसी को कोई डाउट है अभी तक बबल सॉर्ट में? किसी को कोई डाउट है? ठीक है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है, हाँ, इसकी बेस्ट केस में ओ एन होगी ना? बेस्ट केस में फिर हम इस सबसे बेस्ट केस क्या होगा कि ये एरे पहले से ही सॉर्टेड है ना? सॉर्टिंग में बेस्ट केस क्या बोलते हैं कि ये पहले से ही सॉर्टेड है। तो मान लो हम एक एग्जांपल से ही देख लेते, छोटा सा एग्जांपल, 5 एलिमेंट दिया, 1 2 3 4 5, आपको कंपैरिजन कितनी बार करना पड़ा, ये इफ स्टेटमेंट कितनी बार चला? 1 को 2 से कंपेयर करोगे तो वो तो पहले से ही स्मॉलर है 1 पे, तो वहाँ स्वैपिंग हुई नहीं। 2 को 3 से कंपेयर करोगे तो वो पहले से ही सॉर्टेड है, वहाँ स्वैपिंग हुई नहीं। 3 को 4 से करोगे तो वहाँ पे भी नहीं होगी, और 4 को 5 से करोगे तो वहाँ पे भी नहीं होगी। तो बेस्ट केस में इसकी टोटल कंपैरिजन कितनी आई आप देखोगे, तो पहले को हमने दूसरे से कंपेयर किया तो था, स्वैपिंग नहीं हुई तो एक कंपैरिजन, दूसरे को तीसरे से किया तो वहाँ पे एक कंपैरिजन, तीसरे को चौथे से किया वहाँ पे एक कंपैरिजन, और चौथे को पांचवे से किया तो वहाँ पे एक कंपैरिजन। तो टोटल कंपैरिजन कितने होंगे, 1+1+1+1, टोटल 4 टाइम्स, यानी ये एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है ना, तो उसका हो जाएगा
बेस्ट केस के लिए हम लोग क्या लिखते थे, ओमेगा ओमेगा वन। बेस्ट केस में वो बहुत ही आसान रहता है, उसमें हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। नॉर्मली आपसे जब भी कॉम्प्लेक्सिटी पूछा जाता है तो वो वर्स्ट केस के लिए ही पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास क्या है, इंसर्शन सॉर्ट। मैं एक टेबल दे दूंगा अभी, पहले ये सारे सॉर्टिंग जब पढ़ लेंगे ना, मैं आपको एक टेबल फाइनल दे दूंगा जिसमें सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम लिखे होंगे और उनका बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस में क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी आता है वो सब। तो वो आपको एक चार्ट की तरफ रहेगा, तो आप उसको रिवाइज करते रहोगे क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होगा। अभी आगे चलोगे तो आप भूलते जाओगे, कंसेप्ट बहुत ही मिलते जुलते हैं। वो सबसे ज़्यादा डाउट होता है इंसर्शन और सेलेक्शन सॉर्ट में, खैर उस पर अभी हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर में। इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है, बबल सॉर्ट में हमने प्रॉब्लम देखा कि एन की साइज़ बढ़ते जा रही थी तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो उसके लिए हम लोगों ने एक दूसरी सॉर्टिंग एल्गोरिदम यूज़ की, इंसर्शन सॉर्ट। मैं इसको आज बस एक न्यूमेरिकल से छोटे से बता देता हूँ, इसके कंसेप्ट पे हम लोग कल बात करेंगे। देखो यहाँ पे एक हमारे पास एरे गिवन है, हमें इस एरे को सॉर्ट करना था, ठीक है। एरे की वैल्यूज, टोटल एलिमेंट कितने हैं, 3, 3, 6, 4, 10, ठीक है। ये 10 एलिमेंट का एक एरे बना हुआ है, इसे हमें इंसर्शन सॉर्ट की मदद से सॉल्व करना है। तो इंसर्शन सॉर्ट क्या कहता है, आप अपने एरे को दो पार्ट में डिवाइड करो, पहले पार्ट को कहते हैं हम सॉर्टेड पार्ट और दूसरे वाले को कहते हैं अनसॉर्टेड पार्ट, ठीक है। उसके बाद आपसे ये कहता है ये एल्गोरिदम कि ये जो वैल्यू आपको मिली है, इंडेक्स नंबर 0 पे जो वैल्यू होगी उसको आपको रखना है सॉर्टेड वाले में, और बाकी सारे एलिमेंट जो हैं ये सब आ जाएंगे अनसॉर्टेड में, ठीक है। यानी हमने कहा क्या किया, यहाँ पे एक डिवीज़न लगा दिया, 39 जो था वो सॉर्टेड की तरफ चला गया और ये बाकी सारे एलिमेंट जो है वो अनसॉर्टेड की तरफ चले गए। अब हमें करना क्या है, वन बाय वन हम यहाँ से एक एलिमेंट को उठाएंगे और सॉर्टेड वाले से कंपेयर करेंगे और उसको प्लेस्ड कर देंगे। जैसे दो चार स्टेप मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, आप देख सकते हो 39 तो चला गया था सॉर्टेड वाले साइड में, हमने पहली वैल्यू ली 9 को कंपेयर किया 39 से, तो 9 जो है वो स्मॉलर होता है 39 से, तो हमने 9 को 39 के पहले लिख दिया इस साइड। यानी अब सॉर्टेड साइड में दो एलिमेंट आ चुके हैं और अनसॉर्टेड साइड में एक एलिमेंट कम हो गया। अब अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ हुआ क्या, पहले 39 जो था वो इंडेक्स नंबर 0 पे था, लेकिन अब 39 जो है वो इंडेक्स नंबर 1 पे आ चुका है। 9 जो था वो इंडेक्स नंबर 1 पे था, लेकिन अब 9 इंडेक्स नंबर 0 पे आ चुका है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला स्टेप में क्या करेंगे, हम अनसॉर्टेड साइड से एक एलिमेंट फिर से उठाएंगे। किसको उठाना है अभी हमें, अब हमें लेना है इस 45 को। हम इस 45 को सॉर्टेड वाले साइड में सारे एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। पहले 45 को कंपेयर करेंगे 9 से, तो 45 जो है वो 9 से ग्रेटर है। फिर हम 45 को कंपेयर करेंगे 39 से, 39 से भी ग्रेटर है, यानी कि ये 45 39 के बाद प्लेस्ड होगा, ठीक है। मैंने ये लाइन इतना लंबा इसलिए बोला, फिर से बोल रहा हूँ, 45 को पहले कंपेयर करना है 9 से, फिर कंपेयर करना है 39 से, यानी कि हमें ये कंपैरिजन रिपीटेडली करना है। यानी कि एल्गोरिदम जब आएगा वहाँ पे कहीं ना कहीं फॉर लूप आएगा, ठीक है। तो ये 45 यहाँ पे प्लेस्ड हो गया। अब देखो आपने हुआ क्या, इस केस में तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, 9 पहले भी 0 पे था अभी भी 0 पे है, 39 पहले भी 1 पे था अभी भी 1 पे है, 45 जो है वो यहाँ से उठकर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट के लिए करेंगे 63 को 9 से कंपेयर करो, ग्रेटर वैल्यू है। 63 को 39 से कंपेयर करो, ग्रेटर वैल्यू है। 63 को 45 से करो, ग्रेटर है, यानी 63 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पार्टीशन ऐसा चल रहा है, इस साइड में 4 एलिमेंट है और इस साइड में अभी भी एलिमेंट कम है।
फिर हमें करना है 18 को कंपेयर। ये मज़ेदार है, जब आप 18 को कंपेयर करोगे तो 18 को करेंगे हम 9 से कंपेयर तो मिलेगा ग्रेटर वैल्यू, 18 ग्रेटर है। फिर हम करेंगे 18 को 39 से कंपेयर तो 18 जो है वो 39 से स्मॉलर है, यानी कि एक्चुअल में 18 को कहाँ आना चाहिए, 9 और 39 के बीच में। तो हमें उस 18 को 9 और 39 के बीच में प्लेस करना पड़ेगा। तो 9 इंडेक्स नंबर की बात करें तो 9 का इंडेक्स नंबर अभी भी 0 है, 39 का इंडेक्स नंबर पहले 1 था लेकिन अब 39 का इंडेक्स नंबर बदल के 2 हो गया है, 18 का इंडेक्स नंबर पहले 4 हुआ करता था 0 1 2 3 4 लेकिन अब इसका इंडेक्स नंबर 1 होगा। और ये प्रोसेस हमें आगे तक चलते जाना है। इसका न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होता है सॉल्व करने में, कुछ भी नहीं करना, आपको एक एक एलिमेंट यहाँ से उठाते जाओ और इस जगह पे सॉर्टेड वाले साइड में उसको उसकी लोकेशन पे प्लेस करते जाओ बस। लेकिन इसका एल्गोरिदम अगर हम लोग देखेंगे तो एल्गोरिदम समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। तो आज के लिए आप लोगों को मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ, आप लोग इस इंसर्शन सॉर्ट के बारे में